कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करवाने जा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से कौन सा पाठ? ई की मात्रा। आज हम सीखेंगे बच्चों ई की मात्रा के शब्द। ई यानी कि बड़ी ई। बड़ी ई की पहचान क्या है? बड़ी ई की मात्रा में ये देखिए, ये जो बड़ी ई है, ई जब हम लगाते हैं तो ये इसकी मात्रा हमेशा पीछे आती है। अक्षर के पीछे अगर आती है तो वो होती है बड़ी ई। जैसे ये क लिखा है, क के पीछे ई की मात्रा आई है तो क्या बोलेंगे इसको? की। ये चा है, चा में लाल रंग की जो मात्रा का निशान है, कौन सी ई की मात्रा का निशान है? ये है ची की मात्रा, बड़ी ई। और इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण होता है ची। टा में बड़ी ई की मात्रा फिर से लग गई तो इसको कैसे बोलेंगे? टी। ता में ई की मात्रा लग गई तो इसको कैसे बोलेंगे? ती। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। ये किसका चित्र बना है? ये तो एक तीर का चित्र बना है। तो हम तीर को कैसे बुलाते हैं बच्चों? तिर या तीर, हम इसको बुलाते हैं तीर। धनुष बाण का जो तीर होता है, तो ता तीर कैसे लिखते हैं? ता में हमने बड़ी ई की मात्रा बना दी तो क्या बन गया? ती। और फिर ये र, तीर, क्या बन गया? तीर। ऐसे जा है, जा में बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? जी। और फिर ये प, जीप, जीप। सा में बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? सी। और टा में फिर बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? टी। तो इसको कैसे बोलेंगे हम? सी टी। ऐसे ही ला, ला के पीछे कौन सी मात्रा आ गई? ई की मात्रा। चा में भी बड़ी ई की मात्रा, तो ला ई ली और चा ई ची, यानी कि लीची। अब ये देखिए कैसे लिखेंगे मछली को? मा छ ला, और ला में फिर ई की मात्रा तो क्या बन गया? मा छली, मछली। द, दा में बड़ी ई की मात्रा, दी पा व, ला में फिर ई की मात्रा, ला में ई की मात्रा हो गई तो क्या बन गया? ली। दीपावली, दीपावली। तो ऐसे ही हम अब बड़ी ई की मात्रा के अक्षरों की पहचान करते हैं। दही, बही, सही। मैं क्यों बोल रही हूँ ई को खींच के क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, और बड़ी की मात्रा बच्चों हमेशा अक्षर के पीछे होती है। खीर, वीर, शीत, जीत, गीत, चीख, सीख और भीख, माली, डाली, थाली, गीली, पीली, नीली, नगीना, पसीना, महीना, छबीली, सजीली, पतीली। और अब दीपावली। अब हम कौन से अक्षर के शब्द कर रहे हैं? चार अक्षरों के, पहले दो के किए थे, फिर तीन के, और अब कर रहे हैं चार अक्षरों के। चपरा, चपरा सी, चपरा सी। बरसाती, बरसाती। नाशपाती, नाशपाती। आसमानी, आसमानी। महारानी, महारानी। और अब हमने क्या किया? हमने बड़ी की मात्रा के बहुत सारे अक्षरों का अभ्यास किया, और अब हम करने जा रहे हैं वाक्य, पूरे पूरे वाक्य बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं ना, जहाँ पे लाल रंग की मात्रा है, यानी कि वो अक्षर के पीछे है, यानी कि वो किसकी मात्रा है? ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा।
दीपावली का दिन था, गीता घर की सफाई कर रही थी, मीना दीपक जला रही थी, नीता आरती कर रही थी, मीना पटाखा जला रही थी, रानी खील की थाली लाई, मामी खील खा रही थी, नानी रबड़ी लाई, अनीता पीली साड़ी पहन कर आई, दीपक नई कमीज पहन कर आया, दीपावली की रात बड़ी सजीली रात। तो हमने बच्चों जो ये पढ़ा उसमें कौन सी मात्रा के शब्द थे, उसमें थे ई की मात्रा के शब्द, बड़ी ई के। और अब हम दूसरा पढ़ते हैं, तितली आई सजीली, तितली आई काली पर, तितली आई कली पर, तितली आई डाली डाली उड़ती आई, सीता तितली पकड़ रही थी, बिजली भी चमक रही थी, तितली उड़ गई तभी रानी भागी भागी आई, तितली उड़ती चली गई। और हमने क्या किया, हमने इनके वाक्यों की का अभ्यास किया पढ़ के, बड़ी ई की मात्रा के वाक्यों का अभ्यास किया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम करेंगे ई की मात्रा वाले शब्दों पर हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे तथा दिए गए स्थान में, खाली स्थान में हम लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ई की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा पिन जी नहीं, पीला। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पीला। रानी, रानी भी क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, पीला भी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रानी, क्योंकि ये कौन सी की मात्रा थी, बड़ी की मात्रा। जाली, जी हाँ जाली, ये भी कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है, जाली। पानी, पानी यानी कि ई की मात्रा, बड़ी ई की। आपको एक पहचान कर लीजिए, बड़ी की मात्रा हमेशा कहाँ लगती है, अक्षर के पीछे, ये देखिए ना के पीछे, ना के पीछे, है ना। अब आ गया सरिता, सरिता तो ई की मात्रा है छोटी की, क्योंकि रा के आगे है, तो ये नहीं है बड़ी की मात्रा। उसके बाद है तीर, जी हाँ तीर, तीर भी जो है बड़ी की मात्रा का शब्द है, तीर। नानी, नानी में भी क्या है, ई की मात्रा है, कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। वीर, वीर भी जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वीर में भी बड़ी ई की मात्रा है। गिरी, जी नहीं, और फिर चीर, चीर में भी कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने ई की मात्रा के शब्दों को, वाले शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा। और आप क्या करेंगे, चित्रों को पहचान कर उनके सही सही हमें नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ये सबसे पहले बनी है तितली। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तितली, बड़ी की मात्रा आ गई। और ये क्या है, खीरा, खीरा, ई की मात्रा आ गई। और अब ये क्या है बनी, मकड़ी, मकड़ी कैसे लिखेंगे, म क डी में ई की मात्रा लगा दी, बन गया मकड़ी। अब यहाँ पे क्या बनी है, मछली, मछली कैसे लिखेंगे, म छ ली,
मछली, और ये क्या है? चाबी, चाबी, चाबी। और लास्ट में क्या बनी हुई है बच्चों? लास्ट में बनी हुई है सीटी, सीटी। तो हमने क्या किया, हमने चित्रों को पहचान कर उनके सही नाम यहाँ पे हमने लिख दिए। और अब क्या है इसमें है, सुलेख लिखो। सुलेख का मतलब होता है बहुत सुंदर सुंदर लेख, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी सी लिख, लिख लेख आपका बहुत सुंदर लेख। और क्या लिखना है? दादी एक कहानी कह, परी वाली कहानी कह, दादी की कहानी मन भाई, अमिता ने कहानी लिखी। तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको बहुत सुंदर सुंदर लेख जो है अपनी एक कॉपी के ऊपर लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ हमारा आज का ये पार्ट, जिसमें हमने कौन सी मात्रा सीखी थी, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ये हमने सीखी थी। तो आज का हमारा पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। नई मात्रा को लेकर बहुत जल्दी आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।